यहाँ पे कोलाइटिस है तो इट डील्स विद द कॉलोन ओके और क्रॉन्स डिजीज इट इन्वॉल्व द होल इन्वॉल्व द होल जी आई टी ओके तो हम पहले अल्सरेटिव कोलाइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे ओके okay? तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या देता है पहले वन इज गिवेन इज फाइव ए एस ए डेराइवेटिव ओके दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस तो ड्रग ऑफ चॉइस इसमें डेराइवेटिव क्या आता है सल्फा सेलेजाइन वट इज सल्फा सेलेजाइन फाइव ए एसे प्लस पायरिडिन ये दोनों को मिला के सल्फर फुल फॉर्म क्या था ठीक है जस्ट फॉर इट तो सल्फा सलाज़ाइन का full, uh, um, क्या होता है इसमें फाइव ए एसे प्लस सल्फ सल्फर पायरिडिन ओके ठीक है फिर ओलसा

क्या होता है जब वेन वी गिव ओरली 80% परसेंट इज एब्जॉर्ब इन द प्रोक्सीमल इंटेस्टाइन ठीक है और जहां पे उसको जाना चाहिए कहां पे जाना चाहिए था कोलोन में जाना चाहिए था ओके बट इट डज नॉट गोज टू द कोलोन ओके टू डिक्रीज द एब्सॉर्प्शन इट इज एसोसिएटेड विथ सम इनर कंपाउंड टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम कि प्रोक्सीमल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब ना हो

रीच नहीं कर रहा था नहीं कर रहा था तो क्या करी... क्या होगा अभी अभी में वो reach करेगा, यूज दैट इनर्ट कंपाउंड अलोंग विथ फाइव ए एसे ठीक है नाउ अबाउट क्रॉन्स डिजीज में डायरेक्टली क्या है डायरेक्टली वी गिव स्टेरॉइड्स हम यहाँ पे फाइव ए ए वगैरह नहीं देते हैं क्रॉन्स डिजीज में डायरेक्टली

जो कॉन्स्टिपेशन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है ना तो कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट के लिए वी यूज लक्सिटिव एंडेटिव तो so, पार्गेटिव क्या है इट कॉज वाटर तो पार्गेटिव इज ए पारगेटिव है सेमी सॉलिड स्टूल्स होता है सेमी सॉलिड स्टूल्स होता है बट पार्गेटिव में क्या होता है इट कॉजेस वाटरी टूल्स ओके ठीक है अब यूजेस क्या है लक्सिटिव का सबसे पहले हम यूजेस पढ़ेंगे का दो तरीके का कॉन्स्टिपेशन होता है एक है फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन और एक है ऑब्स्ट्रक्शनल ठीक है तो जो लक्सेटिव यूज करते हैं हम फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन में यूज करते हैं नॉट फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन एक्चुअली जो कॉन्स्टिपेशन होता है ना उसका कोई ट्रीटमेंट का जरूरत होता ही नहीं है पर इफ द पेशेंट टेक्स हाई फाइबर डाइट

कोई पेशेंट आ, हाई फाइबर डाइट पे रहता है और रेगुलर एक्सरसाइज करता है देन आपका ये ट्रीटमेंट हो जाता है ठीक है अपने आप हो जाता है बट अगर इससे नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे उसके बारे में भी जानना पड़ेगा तो अदर यूजेस पढ़ लेते हैं पहले प्रिवेंट स्ट्रेनिंग लैक्सेटिव का यूज किया किस लिए करते हैं लैक्सेटिव टू प्रिवेंट स्ट्रेनिंग एट स्टूल टू प्रिवेंट इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर तो स्ट्रेनिंग जो डिफिकेशन के समय स्ट्रेनिंग स्ट्रेनिंग नहीं होने के लिए देर आर सम कंडीशन जैसे हर्निया है पाइल्स है एनल फिशर है यहाँ पे अगर स्ट्रेनिंग होगा ड्यूरिंग डिफिकेशन तो क्या होगा सीवियर पेन होगा टू रिड्यूस दैट पेन वी यूज लैक्सेटिव्स समझ में आ रहा है सबको एम आई गोइंग टू फास्ट आ रहा है समझ में ओके हाँ सर

ठीक okay? है फिर एक्सरे करने के लिए भी हम लैक्सेटिव यूज करते हैं। तो क्या हुआ ट्रैक पे कोई आपका फिकोलिट uh, है बोलते हैं तो स्टोन्स वगैरह है तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ऐसे अगर स्टोमक में फूड वगैरह होगा तो दिखाई नहीं देगा अच्छे से तो टू क्लियर द स्टोमक ओके हम स्टोमक को पहले क्लियर करते है देन दिस फिकोलिथ इज विजिबल तो ये एक्सरे कहाँ पे यूज करते हैं कब बोलते हैं हम किडनी यूरेटर और ब्लैडर ओके किडनी यूरेटर और ब्लैडर के एक्सरे में ठीक है देन अलोंग विथ एंटी हेलमेंटिक ड्रग्स भी इसको देते हैं इज अलोंग एंटी हैंटिक ड्रग्स ऑल्सो तो क्या होता है जो एंटी हेलमेंटिक ड्रग है एंटी हेलमेंटिक ड्रग है वो क्या करता है वो जो वर्म है निक्लोसामाइड है ये दिस इज द एंटी हेलमेंटिक ड्रग तो जो वर्म है जो वर्म है वर्म का पैरालिसिस कर लेता है दैट एंटी हेलमेंटिक ड्रग पैरालिसिस ऑफ द वर्म इट कॉजेस द पैरालिसिस ऑफ द वर्म अब वर्म को तो फ्लश uh, करना है वो तो नहीं रह सकता है आपके स्टोमक पे तो टू फ्लश आउट दैट वर्म वी यूज लक्सेटिव ओके दिस इज अनदर यूज ऑफ लक्सेटिव ओके देन अभी लक्सेटिव का टाइप ठीक है तो एक है बल्क फॉर्मिंग ओके तो ये जो बल्क फॉर्मिंग लक्सेटिव है दे आर बाल्क. बाल्क लक्सेटिव. दे आर 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 इन इन बल्क 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 फॉर्मिंग एंड शुड बी ऑफ वाटर ओके द एग्जाम्पल एग्जाम्पल सारा याद कर लेना आप डाइटरी फाइबर है बल्क फॉर्मिंग में साइलियम है देन मिथाइल सेलिलोस है और ये बल्क फॉर्मिंग जो है मेगा कोलोन में क्व्राइंडेटेड है क्वॉन्ट्राइंडेटेड in megacolon more about remembering here not much about understanding okay and then there are osmotic purgatives okay osmotic purgatives mein aata hai laxative purgatives isme aata hai magnesium sulfate magnesium hydroxide they are contraindicated in chronic renal failure example are lactulose and polyethylene glycol let me revise again i know i am going little fast pata nahi mujhe kya hua hai. actually um, uh, what happens i have seen uh, mere cases mein वेन आई गेट गुड स्लीप अच्छे से स्लीप होता है आ, रात को एंड सुबह को जल्दी जागता हो देन आई गेट लॉट ऑफ एनर्जी टू डू थिंग्स नाइसली एंड अगर रात को कभी मूवी देख लिया या ऐसे कुछ हो गया देन देर इज वेरी लेस एनर्जी वाइल आई एम गिविंग द क्लासेस तो ये नाइट आई हेड ए वेरी गुड स्लीप सुबह को भी अच्छे से जल्दी उठ गया एंड देन आई डिड माई वर्क नाइसली तो अभी मेरे को इन दिस आई एम गेटिंग लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन प्रेजेंटिंग सो बल्ब फॉर्मिंग स्टूल है नो no, कुछ कुछ हिंड इन साइड बल्ब फॉर्मिंग स्टूल है शुड बी गिवेन विथ प्लेंटी ऑफ वाटर ओके प्लेंटी ऑफ वाटर ठीक है water, okay? water, तो इसमें एग्जाम्पल क्या है डायटेरी फाइबर साइलियम और मिथाइल सेलोस ठीक है ये तीन सारा आपका बल्ब फॉर्मिंग uh, है ठीक है

पिको uh, सल्फेट हो सकता है इसका साइड इफेक्ट क्या होता है कोलोनिक एटोनी ऑन लॉन्ग टर्म यूज तो ज्यादातर ये सब आपको पहले स्लाइड्स जो मैंने बताया वो सब आपको मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग है ठीक है एंड द लास्ट थिंग्स आई एम टेलिंग नाउ दिस इज मोर अबाउट रिमेम्बरिंग ओके फिर अनादर क्लासेज देर एंथ्रा क्विनो क्विनास ओके इसमें आता है आपका सेना कस्केरा इसका साइड इफेक्ट है मेलानोसिस कोली ओके कोलीकेस्टोर में भी इसमें आता है

ठीक है एंड इनडायरेक्ट का नहीं लिखा है, शायद आई मिस इट आउट फिर हाँ डायरेक्ट एक indirect so indirect. Direct -indirect हो गया इंडायरेक्ट नहीं आई एम सो सॉरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिटेनर जो प्रोस्तों की उसमें होता है वैसे में सोच रहा था एक्चुअली इट इज ग्वानल साइक्लेस एक्टिवेटर ओके तो डायरेक्ट और ग्वानल साइक्लेस एक्टिवेटर तो ड्रग्स ऑफ ग्वान साइक्लेस एक्टिवेटर में क्या आता है एंड लीनाइड ओके प्लेटाइड और लीनाक्ट लीना okay? इसका चिल्ड्रब 18 ईयर्स ऑफ एज ओके और चिल्ड्रंस में अवॉइड करते हैं जो जो लोग 18 साल के ज्यादा उम्र के होते हैं उनमें हम ग्वान साइक्लिस एक्टिवेटर यूज करते हैं और एक है यहाँ पे एन एच ई थ्री इनिवेटर इसमें आता है टेनाफान दिस इज नॉट सो इंपोर्टेंट आपको जो पहला सारा स्लाइड बतायाटेंट दिस यू कैन लर्न न्यूअर ड्रग्स जो आ सकता है बट चांसेस आर इट कम ओके इसका नाम याद रख लेना यहाँ पे ठीक है एन एन एच ई थ्री का मतलब क्या है सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज एंटागोनिस्ट ओके सोडियम सोडियम एन से सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज एंटागोनिस्ट ओके और एक है आपका पेरीफेरेल ओपियोड पेरीफेरल क्यू है क्योंकि वी डोंट वेंट्रल नर्वस ओपियोड का कहा का होता हैल नर्वस पे भी काम होता है राइट सो वी डोन्ट विस ओपियोड जो हम अभी यूज कर रहे हैं एज अटिवी डोंट वांट इट टू वर्क ऑन सी एन एस सो वी यूज पेरीफेरेल ओपियोड एंटागोनिस्ट ओके इसमें आता है आपका एलविमोपम

For the, uh, of, uh, आपका क्या क्या बोलते हैं इसका गेस्टे, गेस्टे